सुधांशु, ये सवाल अब बार बार पूछा जाएगा कि जनता ने इतने भारी बहुमत के साथ जीत दी है, अब तो बेसिक सवालों को एड्रेस करेंगे कि नहीं? और बेसिक सवालों के साथ साथ वो भावनात्मक सवाल जिनको आपने पिछले 5 साल में साइड रख दिया, वो भी एड्रेस होंगे कि नहीं? अब मैंने एक प्रश्न प्रज्ञा ठाकुर का भी उठाया था, वो भी देखिए कोई जवाब देंगे। बोलिए, इतनी भारी जीत मिली ही तब है, 2014 में तो आशा की जीत थी, 2014 में आशा की जीत थी, लोगों को लग रहा था कुछ करके दिखाएंगे। वह आशा कामों को देखकर ही विश्वास में तब्दील हुई है, इसीलिए 2014 से ज्यादा बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आशा के आगे विश्वास होता है। तो मोदी जी ने करके दिखाया, ये कहते रहे जो हुआ सो हुआ, हम कहते रहे जो कहा वही हुआ, और हमने वह करके दिखाया। और मैं वाष्णेय जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, जब आप कहते हैं गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी तो अहिंसा को मानते थे, और आपकी विचारधारा है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली के दम पर सत्ता चलती है। कैसे गांधी की विचारधारा का ये नारा ही नहीं? गांधी जी कहते थे मैं धर्मनिष्ठ वैष्णव हिंदू हूं, और वो कहते थे वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे, और आप ये कहते थे आपकी विचारधारा कहती है धर्म एक अफीम है, मार्क्सवाद में कहा गया है रिलीजन इज एन ओपियम, ये हमारा फिलॉसफी है, प्लीज वी बिलीव इन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी। अरे भाई भारतीय का तो चलिए मार्क्स का तो नारा मानते हैं ना, मार्क्स कैपिटल और कम्युनिस्ट में लिखा हुआ है रिलीजन इज एन ओपियम, और हिंसा के उतने ही बड़े पुजारी यहां पे हैं, और कितने बड़े पुजारी टीएमसी है। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, आपने बोला वो सुनते हैं, बोलिए अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी। और एक और मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके पश्चिम बंगाल सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कोई श्रीमान चक्रवर्ती, जिनका मुझे नाम नहीं याद है, उन्हें केवल इसलिए सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर दी थी कि कम्युनिस्ट होकर आपने पूजा कैसे की, और उन्होंने बाहर निकल के ये कह दिया था मैं पहले हिंदू हूं बाद में कम्युनिस्ट हूं, मंत्रिमंडल से बाहर। अब बताइए, वो लोग कहते हैं कि धर्मनिष्ठ वैष्णव महात्मा गांधी की विचारधारा के हम जो है वाहक है, इसलिए बहुत अच्छी तरह देश की जनता समझ चुकी है कि जो लोग गांधियंस विद गन यूज करते हैं लेफ्ट वाले, अरे गांधी और गन का कोई संबंध हो सकता है क्या? वो आपने स्थापित किया। प्रज्ञा ठाकुर ने गन यूज किया नहीं किए ये बता दीजिए, प्रज्ञा ठाकुर ने गन यूज किए या नहीं किए? उसने कहा है ना कि मोटरसाइकिल गलत जगह रख दी, कम लोग क्यों मरे? कोर्ट ने तो अभी तक इसके पास उसका रिकॉर्डिंग है, आपकी सरकारों ने जमीन आसमान एक करके स्टेटमेंट पे चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, और आज की डेट में आतंकवाद से जुड़ा कोई मुकदमा नहीं है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज का मुकदमा है। एक सेकंड।